CPSN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से 15वीं इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के करीब 15 कॉलेजों ने भाग लिया। द्रोणा कॉलेज के चेयरमैन भीष्म भारद्वाज के सानिध्य में 10 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंधु है। मैं प्रिंसिपल द्रोणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। कॉम्पिटिशन स्कूल के बच्चों ने जीता है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये कॉलेज के बच्चों ने कंपटीशन जीता है, इंटर कॉलेज कंपटीशन जो CPSM कॉलेज में हुआ है, और इसमें हमारे 15 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से बच्चों ने ओवरऑल रनिंग ट्रॉफी ये जीती है। 10 पार्टिसिपेंट्स हमारे थे जिन्होंने ओवरऑल प्रतिभागी लिया, और इसके बाद जो 7 बच्चे थे जिन्होंने प्राइज जीता है, 7 बच्चे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में थे, जैसे PPT, चॉकबोर्ड राइटिंग, फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, काफी सारे वहाँ पे कॉम्पिटिशन हुए जिनमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लगभग कितने बच्चे वहाँ पर पहुंचे थे 15 कॉलेज? सर, वहाँ पर अराउंड 80 बच्चे थे सर, वहाँ पे 80 स्टूडेंट्स। किस तरह का एक्सपोजर मिलता है, आप क्या समझते हैं फ्यूचर के लिए किस तरह से हेल्प मिलती है? सर, फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। एक्चुअली हम 13-14 साल से वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो बच्चे भाग लेते हैं उनको वहां आने के बाद ये पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है, और उनका जो स्टेज फियर है वो दूर हो जाता है। एक्चुअली स्टेज में जो जो कमियां इनको फील होती हैं एज अ टीचिंग, तो वो ये अपनी दूर कर पाते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा योगदान है कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर भाग देते हैं, और ये बच्चे भी उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत निवार है और मैं द्रोणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड का छात्र हूं। हेमंत, कितना एक्सपोजर मिलेगा आपको इन फ्यूचर, और आपको कॉलेज की तरफ से क्या कुछ हेल्प की गई, क्या कुछ फैकल्टीज की तरफ से आपको गाइड किया गया? सर, हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो हमेशा हमारी हेल्प करते रहते हैं। हम चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहें, कोई भी चीज करना चाहें, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और यहाँ तक कि वो हमें हर चीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे हर चीज के लिए आगे रहना है। तो जो ये कंपटीशन था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर, इसलिए बिकॉज हम शुरू जब करते हैं तो हम छोटी सीढ़ी से शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे हम ऐसे कंपटीशन से पार्ट लेते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, मेनली क्या होता है कि हमारे जो टैलेंट होता है हम उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि मैंने अपने लेग्स टैलेंट को थोड़ा सा अलग मोड़ दिया था, तो इसी तरीके से हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी में टैलेंट की कमी होती है या कोई और चीज़। एंड टीचर्स का सबसे बड़ा हाथ है, बिकॉज दे आर लाइक वो एक सुनार की तरह है कि जो कि सोने को तराशते हैं और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। सो दैट्स इट।